तो आज की हमारी क्लास में हम डू लूप के बारे में जानेंगे। हमने फोर लूप को पढ़ चुके हैं, फोर में हमने फोर इच को भी पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं डू लूप के बारे में कि आखिर डू लूप क्या होता है। हमने इसे बताया था कि डू लूप का यूज होता है कंडीशंस में, और डू के दो पार्ट होते हैं, डू वाइल और दूसरा अनटिल। दोनों सेम वर्क करते हैं, बस कंडीशन थोड़ा उल्टा हो जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताते हैं। तो सब्जेक्ट डू अंडरस्कोर वन करके एक माइक्रो हमने बनाया, और मान लीजिए कि यहां पे हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए। अब मुझे ये करना है कि हम यहां भी बनाना चाहते हैं कि कॉलन ए में जब तक हमको नंबर मिल रहा है तब तक कॉलन बी में 500 एंट्री करना है। सिंपल, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे डिम आर एज ए लॉन्ग, क्योंकि डू लूप के पास कोई काउंटर नहीं होता है फोर आई की तरह, इसे हमें एक काउंटर लेना होगा जिससे वो चेंज करेगा सेल नंबर को। फिर हमने यहां पे लिखा कि डू वाइल, और यहां पे हमने दिया कि सेल्स, सेल्स में रो नंबर वन कॉलम नंबर वन डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन देन माफ कीजिएगा, सिर्फ ऐसे लिखना है, देन लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद हमने लिखा कि सेल्स आर कॉमा टू नंबर कॉलन की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 500 हो जाए, और फिर आर इक्वल टू आर प्लस वन ताकि इंक्रीमेंट चलता रहे, और लूप क्लोज होता है लूप से। लूप किसे क्लोज होता है? लूप से, राइट। चलो अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप रन करके दिखाते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। यहां देखिए, इसने यहां पे वन हो गया और सेल बाय वन को चेक किया है कि ये जीरो के बराबर नहीं है, और रिजल्ट दे दिए, ठीक है। ये लूप तब तक चलता जाएगा जब तक इस आर मतलब तो रो नंबर जो देंगे उस रो नंबर में उसको जीरो ना मिल जाए, ठीक है, चाहे वो 100 हो चाहे 100,000 हो। अब देखिए अच्छा नहीं, ये अगर लूप इसमें बीच में हम कंटिन्यूअस टेक्स्ट एंट्री कर दें या एक आध ब्लैंक कर दें तब क्या करेगा ये? हाँ तब रुक जाएगा। अच्छा इसलिए तो मैं इस चीजों के लिए फोर इस्तेमाल करता था, जी। क्योंकि क्योंकि डू लूप चलता है एक कंडीशन पे। किस पे चलता है? कंडीशन, अच्छा कंडीशन ठीक है। कंडीशन जब तक फुलफिल जी। है तब तक वर्क करेगा। अब इसका इस्तेमाल होता है, अब आगे इसको इसका इस्तेमाल बताऊंगा, अभी तो मैं बस कंसेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं डू अंटिल। यहां पे डू अंटिल कर देते हैं, अंटिल अंटिल में अब देखते हैं क्या अंटिल वर्क करेगा। चलिए करा के देखते हैं, वर्क ये डिलीट कर देते हैं, सब कुछ कंडीशन उनसे सब कुछ सेम है। अब अंटिल क्या करता है चलिए दिखाता हूँ, सीधे बाहर निकल गया। क्योंकि यहाँ जो आपका वाइल है और ये जो आपका अंटिल है दोनों में अपोजिट होता है। अब मैं यहाँ पे इक्वल टू जीरो कर दूं, ठीक है ना, तो देखिए क्या होगा। अब चल रहा है, ठीक है सर, जी। अच्छा मैं दोनों का अपोजिट डायरेक्शन होता है। हाँ एक इसका कहता है कि भाई हम तब तक चलते रहेंगे जब तक हमारा जीरो के बराबर ना हो, ठीक है ना। एक कहता है कि मैं जब तक चलूंगा जब तक जीरो बराबर ना हो, बराबर जब तक बराबर हो। तो दोनों के अंदर में अपोजिट होता है, समझ गए। तो दोनों तरीका ठीक। चलने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस ये रखिए कि अगर आपने वाइल लगाया है तो वाइल में जो कंडीशन दिया है उसका अपोजिट कंडीशन अंडिल में लेना, जो कि सामने आप देख अच्छा सकते हैं, समझे। जी, ठीक है। अब इसका बात करते हैं कि बेसिकली इसका इस्तेमाल एक्चुअल में कहाँ होता है। तो इसका एक एक इस्तेमाल मैंने आपको दिखाया था फाइल लिस्ट में, याद होगा। नहीं अब जैसे मेरे पास एक फोल्डर है, फोल्डर में से हमने फाइल की लिस्ट निकाली थी,
याद आया आपको? अच्छा पता नहीं सर, रही नहीं पता ही अब। डी आई फंक्शन, डायरेक्टिव फंक्शन जब बताया था तब की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ फाइल्स जो हमने प्रिंट करा रहे थे वही है ना। हाँ चलिए मैं दोबारा बताता हूँ। मेरे पास एक फोल्डर है, इस फोल्डर में जितने भी फाइल है ना उसका लिस्ट चाहिए, उसको ओपन करना है, ठीक है? जी, समझे? ठीक है, इनकी लिस्ट तो बनानी यहाँ पे हम देते हैं सब्जेक्ट और हम डू का तीसरा लूप कर रहे हैं, तो डू थ्री, और यहाँ पे हम देते हैं हमारे पास एक, हमने लेबल लिया कि एफ या एफ एन कर देते हैं, एफ एन एज ए स्ट्रिंग, और हमने एफ एन इक्वल टू लगाया फॉर्मूला डी आई आर, और इसमें मैंने दे दिया बात। पाथ और दे दिया कि स्टार डॉट स्टार, मतलब एनीथिंग, कोई भी फाइल, और हमने बोला कि फाइल चाहिए और नॉर्मल होनी चाहिए, सिस्टम फाइल, रीड ओनली फाइल, हिडन फाइल नहीं होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि डी आई आर फंक्शन आपको देगा तो सही, बट एक बार में एक ही देगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे रेंज ए 65,000, या फिर ए 65,000 तो छोड़िए ना, मैं यहाँ पे आर इक्वल टू वन कर देता हूँ, आर इक्वल टू आर प्लस वन, राइट सर? और हमने यहाँ पे लिखा ठीक कि रेंज ए के साथ आर को आर कमाना को है, डॉट वैल्यू वैल्यू इक्वल इक्वल टू एफ टू एन। ठीक एफ एन। तो अब क्या होगा कि है मैं अगर इसको रन करूंगा तो सिर्फ एक फाइल नेम देगा, ओनली फॉर वन फाइल। मुझे दूसरा फाइल नेम चाहिए तो मुझे इसी कोड डीआईआर। को, हाँ इसी हाँ कोड को दोबारा रन करना होगा, लेकिन इसको रन करने से पहले करना होगा डी आई आर डीआईआर एफ एन, ब्रैकेट एफ एन इक्वल टू, एफ एन इक्वल टू इक्वल डी टू आई आर ब्रैकेट डीआईआर। ओपन क्लोज। तो ये क्या करेगा, दूसरे फाइल को रीलोड करेगा, तो आप देखेंगे कि दूसरा फाइल इसने दे दिया। ऐसे मैं इसको इसको रन इसको नीचे तक रन करूंगा, रिपीट करूंगा, तो तीसरा दे देगा, दे दिया सर, फिर चौथा, हाँ लूप फिर में डाल देना जानवर का उसको। चौथा। अब इसमें लूप में हम फोर लूप तो नहीं कर सकते ना, फोर लूप क्यों नहीं कर फॉर सकते? ईच फॉर ईच फोर नहीं आ ईच सकता में इसमें सर। नहीं, फोर ईच भी नहीं हो सकता, फॉर ईच फोर में ईच जब तक इक्वल ये टू फाइल का नंबर ऑफ नेम नेम ब्लैंक ना ब्लैंक हो ऐसा कुछ फॉर, नहीं। नहीं फोर ईच पे तो नंबर ऑफ फाइल्स चलेगा कि हाँ पर नंबर ऑफ फाइल्स है, तो ओपन फाइल नहीं चलेगा। तो अच्छा यहाँ पे ठीक। कंडीशन है ना भाई, कि जिसमें क्या होता है, जैसे ही एफ एन के ऊपर खत्म हो जाता है, एफ एन को फाइल खत्म हो जाता है, मतलब डायरेक्टरी को जो जी फाइल सारे खत्म हो जाए, तो एफ एन में क्या रख देगा, लाइन, क्या रख देगा, लाइन। प्लान तो जी मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी फंक्शन लगाया है कि डू वाइल एफ एन इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक एंड लो। ये कब तक चलेगा, जब तक कि एफ एन हमारा ब्लैंक नहीं हो जाता है। देखिए एफ एन चला, फाइल नेम आया, चेक किया नहीं था, इसने डाल दिया, नेक्स्ट, लूप वापस गया, तो चेक किया, डाल दिया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरह से डालता चला गया। अच्छा सातवां दे दिया, अभी अब अभी केवल आठवें में हिड चला ना, जब आठवें चला तो एफ एन क्या हो गया, दिख रहा है, ब्लैंक हो गया, ब्लैंक हो गया, क्योंकि सारे इसमें फाइल खत्म हो चुके हैं। अगर तो इसमें सर कोई उसके अंदर फोल्डर भी दिया हो उसको भी लाएगा क्या? फाइल नहीं सिर्फ फाइल, फाइल नेम जिसमें डॉट फाइल को एक्सटेंशन हो, फोल्डर एक्सटेंशन नहीं होता है, हाँ फोल्डर में एक्सटेंशन। अच्छा फिर आपको फोल्डर का डायरेक्टली एक्सेस को यूज करना पड़ेगा, उसका था लंबा जनरेशन है, ऑब्जेक्ट वगैरह, मतलब कि आपको एक्सेल की डायरेक्टली फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, अलग तो तरीका है सर, तो अभी अच्छा अभी आपने सुना होगा, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक। हाँ तो डू वाइल, अब यहाँ पे लूप यू फोर लूप तो यूज नहीं हो सकता था। फोर तो जी अच्छा चलिए एक और कंडीशन, इसमें आपको टू अंटिल लगाना हो तो यहाँ अंटिल, और ये हो जाएगा इक्वल, ठीक है? जी। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं अगला लगाता हूँ एग्जाम्पल, और ये आज का लास्ट एग्जाम्पल है, ब्रैकेट ओपन करो। ठीक
मैंने यहाँ पे लिखा एफ एन इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और हमने यहाँ पे लिखा प्लीज एंटर पास, नहीं जब वो ऐसे होता ना टाइट। ठीक है, समझ गए? जी, अब मैं अच्छा। इसको रन करूंगा तो मुझे आएगा, इस पे मैं पासवर्ड डालूंगा कुछ भी, वो एफ एन पे स्टोर होगा। अब मुझे ऐसा करना है कि चेक करना है कि एफ एन जो है, एफ एन पे जो एग्जैक्ट पासवर्ड जब तक डले ना तब तक मेरा इनपुट बॉक्स हटे ही नहीं। इसे लॉग इन बटन होता है ना, लॉग इन, जब तक अगर आप एग्जैक्ट पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक लॉग इन का पॉपअप हटता है। नहीं हटता ना सर? जी, तो यहां भी सेम इस तरह से करना होगा, यहां पे लगाएंगे। अब इसको इसको बाहर नहीं रखना पड़ेगा, अंदर रखना पड़ेगा। लिखेंगे डू डू वाई वाइल वाई एफ ना एफ एन, एन नॉट इक्वल टू जो भी 1 2 3 कर दीजिए। हाँ, यहाँ पे मैसेज दे दीजिए एम, यहाँ एमएसजी बॉक्स प्लीज एंटर। हाँ, इसमें 1 2 3 नहीं लिखेंगे? मान लीजिए अगर हम एफ एन में 1 2 3 अगर स्टोर है पासवर्ड में, अगर हाँ, मैं गलत कर दिया, मैं गलत कर दिया। कुछ नहीं है सर, ये ऐसे ही यहाँ है। नॉट इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे होगा मान लीजिए 1 2 3 डाल। पासवर्ड हाँ, और सही यहाँ रन करते हैं। ठीक है, रन किए, जी यहाँ पे हम 5 दे के एंटर मारे, रिजेंडर द करेक्ट पास, वापस आ हाँ गया। आ गया ना सर? जी। अब कुछ भी डालेंगे मैसेज देगा और फिर वापस आएगा। तो ये लूप बाहर कब निकलेगा? चलता जब रहता मैं इसमें 1 2 3 पासवर्ड डालूंगा, तब हटेगा। हाँ समझना? ठीक, हाँ समझ आया। जी, अब यहां पे मैं फोर लूप तो नहीं लगा सकता ना। अब बंदा कितना भी नहीं, आज तेरे पासवर्ड नो। डालेगा, क्या क्या कर सकते हो क्या? बिल्कुल इतना बार गलत पासवर्ड डालेगा कैसे पता चलेगा? नहीं, बिल्कुल तो डू वाइल और डू अंटिल लूप ऐसे चीजों में लगाते हैं जहां पे हमें एक कंडीशन के बिहाफ पर। तो इसके मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बताए, अब 4 5 एग्जाम्पल आप देखिए और मुझे भेजिए, एक कोड में आपको भेज देता हूं। ठीक, सर। ठीक है, जी, ठीक, सर। ठीक है, मिलते हैं कल की ओके। क्लास में।